लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर अनोखा नजारा दिखा। अनोखा नजारा इस मायने में कि पहली बार बीजेपी की किसी सरकार में शपथ ग्रहण में पार्टी का नेतृत्व एक साथ मौजूद था। इसकी चर्चा पूरे स्टेडियम में हो रही थी। दरअसल योगी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली और साथ ही सारे बड़े नेता और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम का एक साथ मौजूद रहना भी स्टेडियम में मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए काम करता रहा। एक फोटो इस समारोह की याद बन गई। इस फोटो को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने हैंडल से ट्वीट किया। इस पर लोगों ने बीजेपी की जमकर सराहना की। बीजेपी ने जो फोटो पोस्ट की वो यादगार इसलिए बनी क्योंकि इसमें बीजेपी का पूरा केंद्रित्व एक साथ दिख रहा है। इस फोटो में मंच पर बैठे पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी हैं। ये सभी इस फोटो में एक साथ बैठे दिख रहे हैं। राजनाथ सिंह तो लखनऊ से ही सांसद हैं और उनके चाहने वाले भी यहां कम नहीं हैं। राजनाथ के अलावा मोदी, शाह, नड्डा और गडकरी भी यूपी का दौरा करते रहते हैं और इस वजह से हर दिल अजीज है। खास बात यह है कि ये सभी नेता किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते, अपने काम से मोदी समेत ये सभी बीजेपी के शीर्ष पद पर पहुंचे हैं, जबकि कांग्रेस, सपा और बीएसपी जैसी पार्टियों में परिवारवादी हावी रहता आया है और अब भी है। इन पांच नेताओं की एक साथ फोटो जैसे ही अपना परिवार बीजेपी परिवार के नाम पर स्मृति ईरानी ने ट्वीट की तो ये वायरल हो गई। लोग इस फोटो पर कमेंट करने लगे। ऐसे में आपका इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।